अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके इस बात का सिलसिला शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सादत हसन मंटू को लिखी हुई अफसाना नया कानून। ये एक अफसाना है और इसका मरकजी किरदार मंगो कोचवान है। मंगो कोचवान के जरिए मंटू ने एक सीधे सादे अनपढ़ तांगे वाले की समझ को खूबी के साथ पेश किया है। यह अफसाना उस दौर में लिखा गया है जब हिंदुस्तान गुलाम था, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों की यह हुकूमत मंगो कोचवान को बहुत खलती थी और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर सिर्फ हुकूमत ही नहीं किया बल्कि हिंदुस्तानी पर बहुत जुल्म भी उठाए और उन्हें बेइज्जत भी किया। तो ये कहानी हम पढ़ते हैं अफसाना सादत हसन मंटू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सादत हसन मंटू की हालात ज़िंदगी, उसके बाद अफसाना पढ़ेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आए और आप सारे सवालों के जवाब अच्छी तरह दे पाएँ। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादत हसन मंटू की पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। मंटू ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुई। इनके ख़ानदान का ताल्लुक कश्मीर से था। मंटू की इब्तदाई तालीम अमृतसर में हुई। आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए। उसी दौरान तालीम मुनक़ता करके मुलाजमत कर ली। मंटू इब्तदा में रूसी अदब से मुतासिर हुए और कई रूसी कहानियों का उर्दू में तर्जुमा भी किया। मंटू क्या करते थे, उन्होंने शुरू में क्या किया, रूसी अदब को बहुत पढ़ा और उससे बहुत मुतासिर हुए और रूसी कहानियों को उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ में वो इस तहरीक से मुतासिर हुए लेकिन आगे चलकर वो इससे किनारा कश हो गए, यानी उन्होंने इससे किनारा कर लिया। इब्तदा में अखबार मसावात अमृतसर से वाबस्ता रहे, फिर हफ्ता रोज़ा मुसव्वर बम्बई में मदीर की हैसियत से काम किया। ऑल इंडिया रेडियो से भी मुंसलिक रहे। कुछ अरसा फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे। कई फिल्मों के लिए कहानियों के साथ मुकालमे और स्क्रीन प्ले भी लिखे। मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर चले गए। तमाशा मंटू का पहला अफसाना था जो उन्होंने जलियांवाला बाग के साहस से मुतासिर होकर लिखा था। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उसमें क्या होता, उससे मुतासिर होकर उन्होंने तमाशा अफसाना लिखा था। मंटू ने अफसाना निगारी में मौजू और हियत के कई ऐसे तजुर्बे किए जो इनसे पहले अफसाना निगारों के यहाँ नज़र नहीं आते। मंटू के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी हकीकत निगारी है। नया कानून, टॉबा टेक सिंह के अलावा सियाह हाशिए के मुख्तसर अफसाने इस बात का सबूत हैं कि मंटू ने सियासी मसाइल और मौजूआत पर भी कलम उठाया। अफसानों के अलावा मंटू ने ड्रामे, खाके, अदबी फका और फकाहिया मजामीन तहरीर किए और एक नावल बला अनवान भी शाया हुआ। चौगत सियाह हाशिए, शिकारी औरतें, फंदे, फुंदने, सरकंडों के पीछे, यजीद, ठंडा गोश्त, सड़क के किनारे, धुआं, लज्जत संग, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई वगैरह इनके अफसानों के काबिल जिक्र मजमूए हैं। ये सब उनके अफसानों के मजमूए हैं। आइए अब इनके पढ़ते लिखे हुए अफसाना नया कानून। मंगो कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था, गो इसकी तालीम हैसियत सिफर के बराबर थी, यानी इसकी तालीम हैसियत ज़ीरो थी और इसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगो की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थे। और जो कोचवान थे अड्डे के, वो सब मंगो कोचवान से मालूमात हासिल करते थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगो ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी तो इसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मदबराना अंदाज में पेशन गोई की थी, यानी बहुत समझदारी से, मदबराना यानी बहुत समझदारी से उन्होंने पेशन गोई की थी। देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। और जब गामा चौधरी ने इससे ये पूछा
कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगो ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था कि विलायत में और कहाँ। स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर शख्स को इसका पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हलका बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगो की बड़ाई का एतराफ कर रहे थे, यानी उसकी बड़ाई की तारीफ कर रहे थे। और उस्ताद मंगो इस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। तबादला ख्याल यानी वहम गुफ्तगू, जो आपस में गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे के ख्याल का इजहार करते हैं, तबादला ख्याल उसे कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। उस्ताद मंगो को अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी और इसका सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं, मगर इसके तनफर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छौनी के गोरे इसे बहुत सताया करते थे। वो इसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा इसे इनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था। मंगो कोचवान को अंग्रेज़ का रंग बिल्कुल पसंद ना था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख सफ़ेद चेहरे को देखता तो उसे मतली सी आ जाती। ना मालूम क्यों वो कहा करता था कि इनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से इसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन इसकी तबीयत मुकद्दर रहती और वो शाम को अड्डे में आकर हल मार के सिगरेट पीता या हुक्के के कश लगाते हुए इस गोरे को जी भर कर सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहता था, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं, नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने, यूं रुआब गांठते हैं गोया हम इनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक इसका कोई साथी इसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम इसकी, जैसे कोढ़ हो रहा है, बिल्कुल मर्दार, एक धप्पे की मार और गिट पिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा, तेरी जान की कसम। पहले पहल जी में आई कि मलाउन की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दिए। मलाउन असल लफ्ज मलऊन है, यानी जिस पर लानत भेजी जाए, मलऊन यानी जिस पर लानत भेजी जाए, खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दी। लेकिन इसे ख्याल से टल गया कि इस मर्दूद को मारना अपनी हितक है, यानी मारने से हितक यानी बेइज्जती है। ये कहते कहते थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता और नाक को खाक की कमीज की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता, कसम है भगवान की इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले। अब मंगो कोचवान अंग्रेज़ों से बहुत तंग आ गया था और इस उम्मीद में था कि कोई नया कानून बने तो इन अंग्रेज़ों से निजात मिले। तेरी कसम जान में जान आ जाए। और जब एक रोज़ उस्ताद मंगो ने कचहरी से अपने तांगे पर दो सवारियां ला दी और इनकी गुफ्तगू से इसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है, जदीद नहीं यानी नया कानून, जदीद आइन यानी नया कानून नाफिज होने वाला है, तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगो के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। अब उस्ताद मंगो जो था वो सोच रहा था कि नया कानून आ रहा है जिससे हमें इस अंग्रेज़ों से छुटकारा मिलेगा, इससे आज़ादी मिलेगी, और वो बहुत खुश हो रहा था। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियाँ देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर इस रोज़ वह बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बढ़ी हुई मूंछों के बाल
एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बांगे ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा जरा हवा से बातें करके दिखा दे। मारवाड़ियों के इनके ठिकाने पहुंचा कर इसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पी पीकर एक बड़ी डकार ली और मोचों को मुंह में दबाकर इनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हक तेरी ऐसी की तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफ मामूल उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। ये देखकर इसके सीने में एक अजीब व गरीब तूफान बरपा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए वो सख्त बेचैन था, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डी की आहिनी छत के नीचे बेदिली के हालत में टहलता रहा। इसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे। नया कानून के नफाज की खबर ने इसको एक नई दुनिया में ला खड़ा कर दिया था। वो इस नए कानून के मुताबिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान नाफिज होने वाला था अपने दिमाग में तमाम बत्तियां रोशन करके गौर फिक्र कर रहा था। और वो सोच रहा था कि अब नया कानून होगा तो क्या होगा, और हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी, यहाँ के लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, और ये सोचकर वो बहुत खुश था। इसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा बार बार गूंज रहा था, और इसके तमाम जिस्म में मुसरत की एक लहर दौड़ा रहा था। वो बेहद मसरूर था, खासकर इस वक्त इसके दिल को बहुत ठंडक पहुंची जब वो ख्याल करता कि गोरों सफ़ेद चूहों की थोथनियाँ नए कानून के आते ही बिलों में जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगो बढ़कर इससे मिला और इसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसे खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उग आए। और ये कहकर मंगो ने बड़े मज़े ले लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगु में इसने कई मरतबा नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपने हाथ मारकर कहा, तू देखता रहे क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ जरूर करके रहेगा। उस्ताद मंगो मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था और इसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थी, इसलिए इसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में जो नई तब्दीलियाँ पैदा होने वाली थी वो इन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। कुछ अरसा से पेशावर और दिगर शहरों में सुर्ख पोशों की तहरीक जारी थी। उस्ताद मंगो ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ खलक मलक कर दिया था, यानी मिला जुला दिया था। इसके अलावा जब कभी किसी से सुनता कि फलां शहर में इतने बम साज पकड़े गए हैं या फलां जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया है तो इनके तमाम वाक़यात को नए कानून का पेश खेमा समझता और दिल ही दिल में बहुत खुश होता था। एक रोज़ इसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे। 2 बैरिस्टर बैठे थे और नए आइन यानी नए कानून पर ज़ोर से तनकीद कर रहे थे, नुक्ताचीनी कर रहे थे, और वो खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। इनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, ऐसे फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी ना देखी गई है, सियासी नज़र के एतबार से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगु हुई, चूँकि इसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेज़ी के थे, इससे उस्ताद मंगो सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किस कदर समझा और इसने ख्याल किया कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते हैं कि इनका वतन आज़ाद हो। चुनांचे इस ख्याल के ज़ेर असर इसने कई मरतबा इन 2 वरिष्ठों को हकारत की निगाहों से देख लिया, देखकर दिल ही दिल में कहा, टूडी बच्चे
जब कभी वो किसी को दबी जबान में टूडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता था कि इसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है। और ये कि वो शरीफ आदमी और टूडी बच्चे में तमीज़ करने की अहलियत रखता है। इस वाक़े के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के तीन तलबा को अपने टांगे में बैठा कर मुजम जा रहा था कि इसने इन तीन लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना। नए आयन ने मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं, अगर साहेब असम्बली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगहें निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तीन तलबा थे जो उसके गाड़ी में बैठे थे और बातें कर रहे थे। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं, इनमें कुछ तो कमी होगी। इस गफ्तगु ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आयन की अहमियत और भी बढ़ा दी और वह इसको इस ऐसी चीज़ समझने लगेगा जो बहुत चमकती हो। नया कानून और वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, और हर बार इसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता जो इसने दो बरस हुए चौधरी खुदाबख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजाकर ख़रीदा था। इस साज पर जो वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थी और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां व ताबा होना ज़रूरी था। पहली बार अप्रैल तक उस्ताद मंगो ने जदीद आयन के ख़िलाफ़ और इसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर इसके मुतालिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि पहली अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा और इसको यकीन था कि इसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएंगी इनसे इसकी आंखों में ज़रूर ठंडक पहुंचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ के मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। पहले अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगो उठा और अस्तबल में जाकर टांगे में घोड़े को जोता और बाहर निकल गया। इसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी, यानी वो खुश था, वो नए कानून को देखने वाला था। अब वो सोच रहा था कि नया कानून कैसा होगा, आज नई सुबह है और नया कानून नाफिज होने वाला है। इसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर इसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई, आसमान की तरह पुरानी। इसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय इस कलगी के जो रंग बिरंगे के परों से बनी थी, इसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी और सब चीज़ें पुरानी नज़र आती थी। ये नई कलगीन इसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14:30 आने में ख़रीदी थी। घोड़े की टापों की आवाज़ काली सड़क और इसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकान के बोर्ड, इसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, इनमें से कौन सी चीज़ नई थी? जाहिर है कि कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगो मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सबकी सब बंद है। इस ख्याल से इसे तस्कीन थी, यानी उसे ज़रा इत्मीनान था। इसके अलावा वो ये भी सोचता था हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है, अब इससे पहले नए कानून का क्या नज़र आएगा। जब इसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तुलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगो को ना जाने इनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। शायद इसकी वजह ये थी कि इसकी निगाहें आज किसी खैराखुन जलवे का नज़ारा करने वाली थी, यानी किसी ख़ास चीज़ का नज़ारा करने वाली थी। टांगे को दाएँ हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमद और रफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकान पर गाहों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों के नुमाइश चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावत नज़ारा दे रही थी और बिजली के तारों पर
कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मगर उस्ताद मंगो के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक इसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। उस्ताद मंगो तबान बहुत जल्द वाज वाक़ हुआ था। वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का ना सिर्फ ख्वाहिशमंद था बल्कि मुतजस्सस भी था, यानी हर बात में उसे तजस्सुस होता था कि वो काम कैसे हो। इसकी बीवी गंगावती इसकी इस किस्म के बेकरारियों को देखकर आमतौर पर यह कहा करती थी, अभी कुआं खुदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगो नए कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि इसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक इसी तरह जैसे गांधी या जवाहरलाल नेहरू के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकलता था। लीडरों की अजमत का अंदाज़ा उस्ताद मंगो हमेशा इनकी जुलूस के हंगामों और इनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से क्या करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हुआ है तो उस्ताद मंगो के नज़दीक वो बड़ा आदमी है, और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के पास दो तीन फसाद होते रह जाएँ तो इसकी निगाहों में वो और भी बड़ा था। अब नए कानून को अपने जहन के इसी तराजू में तोलना चाहता था। अनारकली से निकल कर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास इसे छौनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद इसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ये ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छानू ही से नए कानून का कुछ पता चल जाए। छौनी पहुंचकर उस्ताद मंगो ने सवारी को इसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी दो उंगलियों में दबाकर सुलगाया और अगले नशस्त के गद्दे पर बैठ गया, यानी अगली जो उसका नशस्त था जगह तो उस पर बैठ गया छोड़कर पिछले नशस्त पर। जब उस्ताद मंगो को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या इसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता था तो वो आमतौर पर अगली नशस्त छोड़कर पिछली नशस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़ों की बागें दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौके पर इसका घोड़ा थोड़ा सा हिननाने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया इसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगो के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता कदम उठा रहा था उसी तरह उस्ताद के जहन में नए कानून के मुतालिक नए कयासात दाखिल हो रहे थे। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कम्युनिटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। अब वो सोच रहा था वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नए नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था कि तांगों के नए नंबर कमेटी से कैसे मिलेंगे, और इस काबिले गौर बात को आयन जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। वो इस सोच विचार में गर्क था, उसे यूँ मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने इसे बुलाया है। पीछे पलटकर देखने से इसे सड़क के इस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक घोड़ा खड़ा नजर आया जो इसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है कि उस्ताद मंगो को घोड़ों से बेहद नफरत थी। जब इसने अपने ताज़ा गाहक को घोड़े की शक्ल में देखा तो इसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले इसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और इसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में इसको ख्याल आया इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगे पर वो जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं इनकी जेब ही से वसूल करने चाहिए, चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर इसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आँख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बांगे खींचकर इसने तांगा ठहराया और पिछले नशस्त पर बैठे बैठे घोड़े से पूछा, साहेब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहेब बहादुर कहते वक्त इसका ऊपर का मूछों भरा होंठ नीचे की तरफ खींच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्यम से लकीर नाक के नथने से थोड़ी की बलाए हिस्से तक चली आ रही थी एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नुकीले चाकू से
शीशम की सौली लकड़ी में धारी डाल दी। इसका चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर इसने इस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। वो इतना खिलाफ था गोरे के कि उसे देखकर जरा भी खुशी नहीं होती थी और उसे क्या करता था, लग रहा था कि सीने के अंदर आग में जलाकर भस्म कर डालेगा। जब गोरे ने जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगो और इसकी निगाहें चार गईं और ऐसा मालूम हुआ कि एक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुईं और आपस में टकराकर एक आतिशे बगोला बनकर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगो जो अपने दाएं हाथ से बाग बिल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरों को यूं देख रहा था गोया वह इसके वजूद को जर्रे जर्रे वो अपनी निगाहों से चबा रहा है। और गोरा कुछ इस तरह अपनी नई नई पतलून पर से गैरमरई चीज़ें झाड़ रहा था गोया उस्ताद मंगो को इस जुमले से अपने वजूद को कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा था। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा। गोरे ने क्या कहा कि जाना मांगता है फिर गड़बड़ करेगा, वही है। ये अल्फाज उस्ताद मंगो के जहन में पैदा हुए और इसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है, इसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो इसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस इसकी झड़प हुई थी और खामखा के झगड़े में जिसका बास गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। इसे तुआन करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगो ने गोरे को दिमाग दुरुस्त कर दिया होता बल्कि इसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसलहत के बिना पर खामोश हो गया था, यानी किसी खास वजह से वो खामोश हो गया था। इसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़े में अदालत का नजला आम तौर पर कोचवान ही पर गिरता है। उस्ताद मंगो ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है। उस्ताद मंगो के लहजे में चाबुक ऐसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी, किराया 5 रुपये हो गया। उस्ताद मंगो की मुझे थर थर आई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया, वो चिल्लाया, 5 रुपये, क्या तुम 5 रुपये। ये कहते हुए उस्ताद मंगो का दाहिना बालों भरा हाथ भींच कर एक वजनी घूसे की शक्ल अख्तियार कर लिया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे। उस्ताद मंगो का लहजा ज्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाकयों को पेश नजर रखकर उस्ताद मंगो के सीने की चढ़ाई को नजरअंदाज कर चुका था। वह ख्याल कर रहा था कि इसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के जेर असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगो को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेद की ये पालिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगो की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। इसने खड़े खड़े ऊपर से पस्ता कद गोरे को देखा। गोया वो अपनी निगाहों के वजन से ही से इसे पीस डालना चाहता। फिर इसका घोंसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्मे जोन में गोरे को ठिड्डी में यानी पलक झपकते ही गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर इसने गोरे को परे हटाया और नीचे गिराकर इसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशंत व तहियर गोरे ने उसे शशंत यानी हैरत ज़दा हैरत अंदाज में गोरे ने इधर उधर समट कर उस्ताद मंगो की वजनी घूसे से बचने की कोशिश की और जब देखा कि इसके मुखालिफ पर दीवानगी किसी ताहलत तारी है, इसकी आंखों में शरारे बरस रहे हैं, तो इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसने चीखों पुकार ने उस्ताद मंगो की बाहों का काम और भी तेज कर दिया, जो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़पूँ, 1 अप्रैल को भी वही अकड़पूँ, अब हमारा राज है बच्चा। क्योंकि उस्ताद मंगो समझ रहा था कि 1 अप्रैल को कानून नाफिज हुआ है, वो हिंदुस्तान की आज़ादी का कानून है और वो सोच रहा था कि हम गोरों पर हुकूमत करेंगे और इसीलिए वो उसे पीट रहा था और सोच रहा था कि अब हमारा राज है। और उसने क्या कहा कि अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए। पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को
उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू इन दो सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। इसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमा की तरफ देखकर वो हांफती हुई आवाज में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। ये क्या है? ये एक मुहावरा है। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानिंद कभी उस्ताद मंगो की तरफ देखता और कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगो पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। उस्ताद मंगो को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही है पुराना, और इसको हवालात में बंद कर दिया गया। ये बहुत अच्छी कहानी है, अफसाना है, क्योंकि अंग्रेज़ों के वक्त जो हिंदुस्तान की हालत थी, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म करते थे और हिंदुस्तानी बहुत सहते सहते बेहाल हो गए थे। वो चाहते थे कि कोई नया कानून बने ताकि उससे इसके गुलामी से, अंग्रेज़ों के गुलामी से उसे आज़ादी मिले। आइए आप पढ़ते हैं अल्फाज और माने, उसके बाद पढ़ेंगे गौर करने की बात। मदबराना माने होता समझदारी से भरा हुआ, मतानत यानी संजीदगी, बर्दबारी। हल्का कहते हैं घेरा हुआ, दायरा। तबादला ख्याल यानी बाहमी गुफ्तगू, आपस में अपने अपने ख्यालात का इजहार करना। तनफ्फुर यानी नफरत करना। मुकद्दर कहते हैं बेकैद, बेमज़ा। मलाउन यानी असल लफ्ज मलून है, यानी जिस पर लानत भेजी जाए। हितक यानी बेइज्जती। जदीद आइन यानी नया कानून, नया दस्तूर। दीवानी मुकदमा जमीन या जायदाद का मुकदमा। दीवानी मुकदमा किसे कहते हैं? जमीन या जायदाद के मुकदमे को दीवानी मुकदमा कहते हैं। पेश खीमा यानी किसी काम के शुरू होने से पहले होने वाली बात का या वाकया। टूडी बच्चा अंग्रेजी हुकूमत का खुशामदी। टूडी बच्चा किसे कहते हैं? जो अंग्रेजी हुकूमत का खुशामदी होता था। दरख्शा यानी चमकता हुआ। ताबा यानी रोशन। रौनक कहते हैं तकबर और गुरूर को। खुशपोश यानी खुश लिबास, अच्छे कपड़े पहनने वाला। मुतजस्स यानी जस्तजू करने वाला, तलाश करने वाला। खैरा कुन यानी जिससे आंखें चकाचौंध हो जाएं। गैर मरी जिसे देखा ना जा सके। तू अन व करहन यानी मजबूरन, चारों नाचार। चश्म जदन में यानी पलक छपकते ही। शिशर्द यानी हैरत जदा, हैरान कुन। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। अफसाना नया कानून का मरकजी किरदार मंगो कचवान है। मंगो कचवान के जरिए मंटू ने एक सीधे सादे अनपढ़ तांगे वाले की समझ को खूबी के साथ पेश किया है। मंगो कचवान को क्या किया है? जो मंटू ने, सादत हसन मंटू ने एक सादे सीधे सादे इंसान की, जो अनपढ़ है, जो तांगा चलाता, उसकी समझ और खूबी को साथ पेश किया है। यह अफसाना इस दौर में लिखा गया जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों की यह हुकूमत मंगो कचवान को बहुत खलती थी। वो अंग्रेज़ों से नफरत करता था और अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहता था। इस अफसाने से मालूम होता है कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तानी अवाम में अंग्रेज़ों के खिलाफ गम गुस्सा था। क्या था? हिंदुस्तानी अवाम में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत गम गुस्सा था। अंग्रेज़ों ने ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि हिंदुस्तानी अवाम पर बहुत जुल्म भी डाए और इन्हें बेइज्जत भी किया। आइए आप सवाल जवाब पढ़ते हैं। पहले हम खुलासा पढ़ेंगे, फिर सवाल जवाब पढ़ेंगे। आइए अब नया कानून का खुलासा पढ़ते हैं। खुलासा, यह अफसाना मंगो कोचवान नाम के तांगा चलाने वाले की कहानी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है मगर दूसरे तांगे चलाने वालों के मुकाबले में ज़हीन है और अपने तांगे में बैठने वाली सवारियों की बातें सुनकर उन्हें याद कर लेता है और अड्डे पर पहुंचकर अपने दूसरे साथियों को सुनाता है। इसकी सियासी बातें सुनकर इसके साथी उसे उस्ताद मंगो कहते हैं। इसकी सियासी बातें सुनते हैं तो उनके दोस्त इसे क्या कहते हैं? उस्ताद मंगो कहते हैं। मंगो को अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी। इसका कहना था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर तरह तरह के जुल्म ढाते और अपना सिक्का चलाते हैं। नफरत की एक वजह यह भी थी कि छावनी के गोरे इसे बहुत सताते थे, इसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। एक रोज तांगे में कचहरी से दो सवारियां बैठी। वो आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थी कि हिंदुस्तान में जदीद आयन नाफिज होने वाला है। यह सुनकर मंगू की खुशी की इंतहा नहीं रही।
शाम को वो अड्डे पर पहुंचकर अपने साथियों का इंतजार करने लगा। वो आज बहुत बेचैन था कि जल्द से जल्द ये खबर अपने साथियों तक पहुंचा दे। जब अड्डे पर इसके साथी इकट्ठे हो गए, इसने 1 अप्रैल से नए कानून के लागू होने की बात सुनाई। जब किसी ने नए कानून के बारे में सवाल किया तो उस्ताद मंगो ने पहले से सोची हुई बात बता दी कि हर चीज़ बदल जाएगी। हर चीज़ नहीं बदली तो बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। उस्ताद मंगो अब 1 अप्रैल का मुंतजर था, यानी वो इंतज़ार में था। इस दौरान तांगे में बैठने वाली सवारियों की बातें सुनता, ख़ास तौर पर वो बातें जो नया कानून या जदीद आइन से मुतालिक होती। जब 1 अप्रैल आई तो वो सुबह बहुत खुश था। इसने अपने तांगे को सजाया। नए कानून की खुशी में इसने 31 तारीख को ही घोड़े के सर पर सजाने के लिए नई कलगी खरीदी थी। आज उस्ताद मंगो के हौसले बहुत बुलंद थे। कुछ सवारियों को इनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद वो सड़क पर जा रहा था कि इसे एक घोड़ा नजर आया। ये वही घोड़ा था जिससे साल भर पहले मंगो का झगड़ा हो चुका था और तब गोरे ने इसे बुरा भला कहा था। आज 1 अप्रैल की 1 तारीख थी। उस्ताद मंगो के मुताबिक नया कानून लागू हो गया था। चुनांचे इसने हीरा मंडी जाने के लिए 5 रुपये किराए के मांगे। 5 रुपये सुनकर गोरे को गुस्सा आ गया और इसने अपनी बेद की पॉलिश की हुई पतली छड़ी 2-3 बार उस्ताद मंगो की मोटी रान से छुआई। मंगो ने खड़े खड़े पस्ता कद गोरे को देखा और गोरे को धक्का देकर गिरा दिया और बड़ी और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गोरे को पीटते हुए मंगो जोर जोर से चिल्ला रहा था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फूं, अब हमारा राज है बच्चा। देखते ही देखते लोग जमा हो गए। पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को छुड़ाया। पुलिस वाले इसे पकड़कर थाने के लिए मंगो रास्ते भर ले गए। मंगो रास्ते भर नया कानून है कहता रहा। पुलिस वालों ने इससे कहा कानून वही है पुराना, और इसको हवालात में बंद कर दिया। आइए मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, उस्ताद मंगो कौन था और इसे दुनिया के हालात की खबरें किस तरह मिला करती थी? तो जवाब लिखेंगे, उस्ताद मंगो बगैर पढ़ा लिखा कोचवान था। वो तांगा चलाता था और तांगे में बैठने वाली सवारियों की बातें सुना करता था। उसे दुनिया के हालात की खबरें मिला करती थी। सवाल 2 है, मंगो कोचवान अंग्रेजों से क्यों नफरत करता था? जवाब लिखेंगे, उस्ताद मंगो को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी। इसका कहना था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते थे। इसके अलावा छौनी के गोरे इसे बहुत सताते थे और इसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। सवाल 3 है, नया कानून के आने की खबर से मंगो कोचवान क्यों खुश था? जवाब लिखेंगे, एक रोज मंगो के तांगे में 2 मारवाड़ी बैठे जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा और बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। इन मारवाड़ियों की बातें सुनकर मंगो बहुत खुश हुआ कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और अंग्रेज गोरे हिंदुस्तानियों पर जुल्म नहीं करेंगे, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आइए अब अमली काम देखते हैं। मंगो का किरदार अपने अल्फाज में बयान कीजिए। मंगो एक अनपढ़ कोचवान था। वो अंग्रेज़ों से नफरत करता था क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हुए हिंदुस्तानी पर बहुत जुल्म किए थे। गोरों ने मंगो के साथ कुत्तों जैसा सलूक किया है, इसलिए वो चाहता है कि मुल्क आज़ाद हो और हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों गोरों से निजात मिले। एक रोज़ तांगे में बैठने वाले सवारियों से नए कानून के बारे में सुनकर वो बहुत खुश हुआ। ये नया कानून यानी इंडिया एक्ट 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। इस कानून के नाफिज होने से मंगो समझता है कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और 1 अप्रैल से अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। चुनांचा 1 अप्रैल को वो तांगा लेकर सुबह सवेरे बाजार में आता है तो एक गोरा उसे चलने के लिए कहता है। मंगो इसे पहचान लेता है क्योंकि पिछले साल इसका उसी से झगड़ा हो चुका था। मंगो तांगों से उतर कर उसे पीट देता है। पुलिस के सिपाही उसे थाने में बंद कर देते हैं और वो कहता रहता है कि नया कानून। मंगो के इस किरदार से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों के अहद
हुकूमत में आम हिंदुस्तानियों की हालत क्या थी और वो अंग्रेज़ों से इस कदर नफरत करते थे। आइए आप पढ़ते हैं ज़ैलिक अल्फाज के मतजाद अल्फाज लिखिए। ये आपके अल्फाज हैं जंग, जंग का मतजाद क्या होगा? अमन। सुस्त का मतजाद चुस्त यानी उल्टा लिखना है। गुमान का उल्टा यकीन लिखना है। जदीद का कदीम और सुरूर का गम। पीछे लिखे हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इस अफसाने में बहुत सारे मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं। आप देखते हैं, हवा से बातें करना यानी तेज दौड़ना, तेज रफ्तार होना। चाबुक लगते ही घोड़ा दौड़ा और देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। खून खोलना यानी गुस्सा आना, गजबनाक होना। सिकंदर के इल्ज़ाम तराशी पर मेरा खून खोलने लगा। जान में जान आना यानी इत्मीनान होना, तसल्ली होना। रेल के हादसे में खालिद के सही सलामत होने की खबर सुनकर मेरी जान में जान आई। नज़ला गिरना यानी शामत आना, आफत आना। नज़ला गिरना यानी शामत आना, आफत आना। कमज़ोरों और गरीबों पर ही नज़ला गिरता है। बड़े लोग हमेशा ठाट से रहते हैं। ये सब क्या था? मुहावरा था। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो अपने दोस्तों के ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, अब अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।